साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। आज आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी चीज जो इस बार धनतेरस पे आप सब लोग जरूर खरीद लेना। पहले से बता दिया है ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट कर लें। जरा सी कॉस्टली होती है लेकिन बहुत काम की चीज है। नवरात्रों से जो समय शुरू होता है तो दिवाली तक बड़ा ही प्योर समय होता है, पूजा पाठ का समय होता है। साथ ही इस समय हम कर सकते हैं बहुत सारी रिचुअल्स जिससे कि अपने जीवन में खुशहाली को अट्रैक्ट कर सके। तो इस बार धनतेरस पे वैसे भी हम बहुत सारी नई चीजें घर के लिए खरीदते हैं ताकि साल भर हमारा खुशियों से भरा रहे, माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे। तो इस बार धनतेरस पे खरीद लाइएगा एक छोटा सा चांदी का ग्लास। क्यों चांदी का ग्लास? क्योंकि चांदी का ग्लास, इसके इतने सारे बेनिफिट्स आज आपको बता रही हूं कि आप जब जानेंगे कैसे ये चांदी का ग्लास आपको फिजिकली फिट रखेगा, आपको मेंटली फिट रखेगा, साथ में आपको फाइनेंशियल भी फिट रखेगा, यानी फाइनेंशियली भी आप मजबूत रहेंगे। इतना ज्यादा अच्छा है ये रेमेडी, ये चांदी का ग्लास। मैंने रेमेडी इसलिए कहा क्योंकि इससे करेंगे आप एक दो खास उपाय जो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें देगी। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, चांदी का ही ग्लास क्यों? चांदी क्या है? एक प्योर धातु है। चांदी चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करती है। तो जाहिर सी बात है चंद्रमा मन का कारक है। मन अगर मजबूत, चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो आपका मन खुशहाल रहेगा, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, खुशहाली में जीवन रहेगा। यानी अगर स्वस्थ खुशहाल जीवन चाहिए तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तो चांदी का ग्लास क्या करेगा? मून को स्ट्रांग कर देगा। शुक्र क्या करता है? शुक्र अगर स्ट्रांग होता है, शुक्र का चांदी का प्रतिनिधित्व, शुक्र का प्रतिनिधित्व भी चांदी ही करती है। तो अगर आपने चांदी का ग्लास इस्तेमाल करना शुरू किया तो शुक्र भी आपका होगा मजबूत। शुक्र मजबूत होता है तो आपको देता है धन दौलत, वैभव, पैसा, मान सम्मान, साथ में रिलेशनशिप। यानी अगर रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स को शुक्र सॉल्व कर देता है। जिसका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है तो उसकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत बेहतर होता है। तो दो चीजें स्ट्रांग होने से लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आता है, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे चांदी का ग्लास। तो इसके अलावा फिजिकली फिट आपको और कैसे रखेगा? देखिए, चांदी एक प्योर धातु है, बैक्टीरिया फ्री धातु होती है, ठीक है। चांदी में आप चांदी की अगर थाली इस्तेमाल करते हैं, उसमें रख के खाना खाते हैं तो आप प्योर खाना खाते हैं, इन्फेक्शन का डर कम होता है, आपकी इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग। साथ में जिस मेटल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ तत्व आपके शरीर में भी जा रहे होते हैं। तो जब आप चांदी के तत्व आपके शरीर में जा रहे हैं तो मैंने कहा मून और वीनस तो शुक्र और चंद्रमा तो स्ट्रांग होगा ही, साथ में स्ट्रांग होगा आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी होगी स्ट्रांग। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप रहेंगे स्वस्थ, छोटी मोटी बीमारियां आप ये सब आपको घेर ही नहीं पाएंगी। तो बीमारियों से आपको बचाएगा, आपको कोल्ड एंड कफ जैसे डिसीजेस से बचाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको चांदी के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मिलती ही मिलती है। तो अभी से सब लोग प्लान कर लें कि इस बार धनतेरस पे हमें चांदी का एक ग्लास खरीद लेना है, एक प्लेट छोटी सी खरीद लेनी है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, चांदी के बर्तन खराब तो होने नहीं है, टूटने भी नहीं है आसानी से, तो वो जीवन भर आप यूज कर सकते हैं अगर एक बार इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गई चीजें कि फिजिकली आपको उससे क्या मिलने वाला है। अब मैं आती हूं काम की चीज पे कि आप चांदी के ग्लास का कौन सा उपाय करें जिससे कि मनी को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा ही चमत्कारी ये उपाय है, टोटका है, कि चांदी के ग्लास में जो व्यक्ति पानी पीता है उस व्यक्ति के घर में धन का संचय होना शुरू हो जाता है, मनी जुड़ना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, तो आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें। जब भी पानी पिए चांदी के ग्लास में भर लें, 5 मिनट रखा छोड़ दें और फिर उस पानी को पीना शुरू करें। तो जितनी भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ना, शुक्र मजबूत होने लगेगा, अपने आप पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोग चांदी का ग्लास नहीं खरीद पाते हैं तो वो एक प्योर चांदी का टुकड़ा लेके सादा ग्लास में आप डालकर, चांदी का टुकड़ा डालकर पी सकते हैं। मींस चांदी का तत्व अपने शरीर में लेना है, लेकिन अगर ग्लास लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नहीं ले पाते हैं तो चांदी का एक टुकड़ा लेके आप सादा ग्लास में पानी में डाल के
उस पानी को भी पी सकते हैं, तो चांदी के तत्व उस पानी में भी आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ग्लास खरीद पाए तो बहुत अच्छा। तो ये तो पहला उपाय है जो आपके पास मनी फ्लो चांदी का ग्लास बढ़ाएगा, तो पैसे आपके पास रुकने टिकने शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया, मनी फ्लो आपका बढ़ गया। दूसरी चीज, समाज में अगर मान सम्मान पाना चाहते हैं तब भी ये चांदी का ग्लास आपके लिए मदद कर सकता है। या आपने अगर प्लेट भी ली है साथ में, तो आप क्या करें, आप चांदी की प्लेट ले लें और उस पे केसर घोलें, केसर उसमें घोलें और रोज वो तिलक लगाएं। चांदी की प्लेट या चांदी का अगर ग्लास भी ले रहे हैं ना, तो ऐसे कोने पे करके आप तिलक केसर ऐसे घोल के थोड़ा सा, और उसका रोज तिलक लगाना शुरू करिए। देखिए कैसे आपका जीवन मान सम्मान आपका बढ़ने लगता है, सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है उसके पास पैसा तो हो लेकिन साथ में सम्मान भी हो, चार लोग उसे सलूट मारें। हर व्यक्ति चाहता है उसकी गिनती अच्छे लोगों में हो, उसको भी लोग पूछें परखें। तो ये एक बहुत ही अच्छा तांत्रिक उपाय है, चांदी के केसर का, चांदी के बर्तन में घुला हुआ केसर का तिलक आपको समाज में दिलाएगा मान सम्मान। तीसरी चीज, अगर आप चांदी की एक डिबिया इस धनतेरस पे लेते हैं, तो इसका डिबिया का उपाय मैंने पहले भी बताया था, चांदी की डिबिया ले लें महीने के किसी भी शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को उसमें रख लें नाग केसर, थोड़ा सा रख दें काली हल्दी, थोड़ा सा रख दें सिंदूर, माता लक्ष्मी के चरणों पे अर्पित कर दें, माता लक्ष्मी के चरणों से छुला दें उसको किसी मंदिर में ले जाकर, और घर के रख लें लॉकर में। जितनी भी पैसों की प्रॉब्लम होगी ना, वो चांदी की डिबिया, उसमें रखा हुआ नाग केसर सिंदूर, ये सब आपकी पैसों की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। तो ये हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप चांदी को, चांदी के बर्तनों से कर सकते हैं। इसके अलावा असफलता भी अगर जीवन में मिल रही है, आपके नवग्रह भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप राहु से भी अगर आप परेशान हैं, तो चांदी का अगर आप एक हाथी बनाकर अपने पास रख लेते हैं तो आपको बहुत आराम उससे आता है। और नहीं कर पाते हैं तो चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए, उससे भी आपको बहुत हद तक आराम आना शुरू हो जाएगा। ये है चांदी के छोटे छोटे उपाय। इस धनतेरस सब लोग चांदी का कम से कम एक छोटा ग्लास जरूर खरीद लें और इन उपाय को करना शुरू कर दें, और फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।